हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड, मैं कुछ अपने कागज़ ढूंढ रही हूँ। तो मेरे कुछ कागज़ हैं ना, वो खो गए हैं। तो मुझे अपना फॉर्म एक सबमिट करना था, तो उसमें वो कागज़ की बहुत ज़रूरत थी। तो मैं वही कागज़ यहाँ पर ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैंने पूरा अपना अलमारी सब कुछ देख डाला है। तो मैं अब सारे अपने जो पेपर, मेरे ज़रूरी पेपर होते हैं, मैं सब संभाल सकती हूँ। तो मैं उसी में ढूंढ रही थी और यहाँ पर मुझे मेरा कागज़ मिल गया है जो मुझे ज़रूरी था। तो मैंने फटाक्स को जो अपना ले जाना है मुझे, मैंने उसमें डालकर रख दिया है। और बाकी अब सारे कागज़ उठा करके मैं यहाँ पर अपनी अलमारी में जो मेरा बॉक्स है, मैं उसमें ही रखती हूँ। तो मैंने उसमें इसको रख दिया है। और अब यहाँ पर देखिए, जूनी और ब्रूनो की शैतानी चल रही है। यहाँ पर परी आई थी, परी विराट, तो ये लोग खेल रहे हैं। और इनके लिए ये बोन खरीद के लाए थे, तो दोनों लोग बोन से खेल रहे हैं, बोन खा रहे हैं। तो जूनी इतनी छोटी है, इतनी बड़ी बोन लेके बैठी हुई है। और ब्रूनो भी अपनी बोन से खेल रहे हैं, जो परी उनको परेशान कर रही है। लेकिन उन लोग अपनी बोन में ही लगे पड़े हैं, मम्मी लेटी हुई हैं। और विराटू भी है, विराटू भी खेल रहा है। यहाँ पर मेरा थोड़ा बाहर का नाइट बल्ब है जो नाइट में जलता है, तो ख़राब हो गया था। तो मुझे ये चेंज करना है, क्योंकि जूनी ब्रूनो रात भर बाहर टहलते हैं, तो उनके लिए बल्ब लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा काट ले। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा रही हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, मैं शाम का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर अपने थोड़े से बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो मम्मी खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो बर्तन धो लेते हैं। जूनी ब्रूनो भी यहीं पर हैं, तो इधर उधर दौड़ दौड़ रहे थे, तो मैंने उनको भगा के अंदर किया है। और अब मैं फटाफट से अपने बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि पानी आ रहा था और मैंने कहा चलो धो लेते हैं। तो मैंने बकेट में नल लगा रखा कि बकेट भी भरती रहे, और फटाक से मैं अपने यहाँ से सारे बर्तन धो लूँ। तो मैंने सारे बर्तन अपने धो लिए हैं, और मैं उनको उठा करके अंदर रख दूँगी, क्योंकि जूनी ब्रूनो शैतानी करते हैं और उठा उठा करके ले जाते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है यहाँ से, क्योंकि मैं उस थोड़ा काम में बिजी थी, तो मैंने उस दिन अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा। तो यहाँ पर मैं लगाऊँगी झाड़ू, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर ना फ्रेंड, मैं अपने घर का जाला ले रही हूँ। तो आज संडे का दिन है, तो मैं संडे को पूरा अपने घर को साफ़ करती हूँ। तो हर संडे मैं अपने घर में जाला साफ़ करती हूँ, ताकि कहीं पर भी जाला ना लगे। तो मैं पूरी यहाँ पर अपने रूम से लगा करके बाहर तक का पूरा जाला साफ़ करती हूँ। और अभी मैं यहाँ से फ़ैन भी पूरा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फ़ैन में भी जूनी ब्रूनो लड़ते हैं, तो इनके बाल आके चिपक जाते हैं। तो सबको साफ़ करूँगी। तो मैंने सोचा चलो आज बेडशीट भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत गंदगी करते हैं, तो सब बेडशीट भी गंदी हो जाती है। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने चेंज भी नहीं करी थी, तो मैं बेडशीट भी आज चेंज करूँगी। तो मैं आज बेडशीट चेंज करूँगी, थोड़ा और भी अपनी सफाई करूँगी। तो मैंने आज वही ब्लॉग बनाया है, आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को इंजॉय कीजिएगा और पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी सी अलमारियाँ हैं उनको साफ़ कर रही हूँ,
क्योंकि डेली डेली तो अलमारियों को मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर सकती हूँ डीप क्लीन, तो वैसे तो मैं डेली झाड़ती रहती हूँ थोड़ा मोड़ा, तो आज मैं अच्छे से इनको पूरा हटा हटा करके सब साफ़ करूँगी, क्योंकि एक ही दिन होता है संडे का जिस दिन मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। बाकी सफाई तो मैं डेली करती हूँ लेकिन ठीक से इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, तो आज मैं को अच्छे से सब पूरी अलमारी सारी अलमारी जो भी हैं सब मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है और बचा था सिर्फ मेरा पोछा, तो मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी बाथिंग करने, तो अब मैं मिलूँगी आपसे बाथिंग करने के बाद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अपने घर में हूँ और आप लोग देख रहे हैं कि मैं एकदम रेडी हूँ। तो मैंने बाथरूम वगैरह कर ली है, मैंने अपना घर का सारा काम भी कंप्लीट कर लिया और इस समय मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपसे बातें करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि मैं अपने ब्लॉग में आपने देखा कि मैं कुछ कागज़ वगैरह ढूंढ रही थी, तो एक्चुअली में वो मेरे कॉलेज के कागज़ थे, मुझे एक फॉर्म सबमिट करना था, तो मेरा कागज़ था वो बहुत ज़रूरी था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मेरा कागज़ रखा उसी में था, मुझे दिख नहीं रहा था जल्दी जल्दी में, मैं बहुत हड़बड़ाहट में थी। और वैसे मैं अपनी चीज़ें सारी संभाल के रखती हूँ, तो मेरा कागज़ मुझे मिल गया और मेरा काम भी जो होना था वो हो गया था। फ्रेंड, उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना घर का काम किया, थोड़ा सा बर्तन वगैरह धो रही थी मैंने अपना बाहर का बल्ब था फ्यूज हो गया था तो उसको चेंज किया, और वो इवनिंग का मेरा ब्लॉग चल रहा था, लेकिन फ्रेंड अब मैं आप ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसे स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मुझे कहीं अर्जेंटली जाना था और मैं रात में लेट लौटी, तो मैं आपको के साथ वो ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करा, तो मैंने नेक्स्ट डे ब्लॉग कंटिन्यू किया है। तो उसमें मैंने जो भी काम किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो आप लोग देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता ही है, और हाँ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोग अच्छी कमेंट करेंगे तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत किया करिए जिसका मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई दूँ, तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत किया करिए। और फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच से स्किप मत किया करिए, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। मेरे जूनी दोनों का आपको खेल भी देखने को मिलता है कि कितना हम लोग खेलते हैं, तो फ्रेंड मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए। और चलिए फिर मैं आपसे अपने एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।